नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। इस बार 31 मार्च से पहले कर ले अब छोटे बड़े काम, नहीं तो होगी आपको बहुत परेशानी। हमारे और आपके लिए साल का अंत दिसंबर के महीने में होता है और हमारे लिए नए साल की शुरुआत जनवरी के महीने से होती है, लेकिन हमारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2021 से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है। नया वित्तीय वर्ष हमारे और आपके जीवन में एक बार नई बदलाव लेकर आ रहा है, जो जेब पर सीधा असर डालेगा। वहीं बैंकों को लेकर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से भी संबंधित कुछ जरूरी कार्य की जो डेडलाइन है वह 31 मार्च 2021 है। अगर 31 मार्च से पहले आपने वो काम नहीं निपटाए तो आपको परेशानी में पड़ सकते हैं। अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो मार्च महीने तक SBI और ICICI बैंक से दोबारा होम लोन ले सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन से चीज़ें हैं जहां पे हमें परेशानी हो सकती है। ICICI बैंक ने होम लोन की ब्याज दर जो है 6.70% तक घटाने की घोषणा की है। ग्राहकों का यह ब्याज दर का लाभ जो है 75 लाख रुपये से अधिक ऋण लेने के लिए ब्याज दरों को 6.75% की आका जाता है। बैंक ने कहा है कि ब्याज दर की पेशकश 31 मार्च तक वैध है, यह इस दशक के सबसे निचली दर पे है। इसके बाद PNB के ग्राहक 31 मार्च तक कर ले जरूरी काम। वो कौन काम है आगे हम विस्तार जानेंगे। अगर PNB के खाता धारक हैं तो आपको 31 मार्च तक कुछ जरूरी काम निपटाने होंगे, वरना आपका लेन देन अटक सकता है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों से ट्विटर के जरिए कहा है कि पुराने IFSC और MICR कोड को 1 अप्रैल से बदल लेना होगा, यानी कि 31 मार्च 2021 के बाद ये कोड काम नहीं करेंगे। अगर आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आपको ये बैंकों के जो IFSC कोड है उन्हें बदलना होगा। SBI होम लोन का एक बड़ा ऑफर दे रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ने 31 मार्च तक होम लोन लेने वाले ग्राहकों को प्रोसेसिंग फीस पर 100% की छूट देने के साथ ही 6.7% से शुरू करने वाले ब्याज दरों में 70 BPS तक की छूट देने की घोषणा की है। लोन की रकम, ब्याज और प्रोसेसिंग फीस की भी माफी आवेदन में CIBIL स्कोर के पर भी निर्भर करने की बात कही है। लोग SBI से होम लोन लेना चाहते हैं, योनो होम से भी आप जो है होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद है PM किसान में 31 मार्च तक करें रजिस्ट्रेशन। PM किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या अब बढ़कर 11.69 करोड़ हो गई है। इसके तहत मोदी सरकार सालाना 6,000 रुपये 2,000-2,000 की 3 किस्तों में देती है। आपको बता दें कि योजना शुरू से अब तक में 7 किस्त किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है। अब तक PM किसान निधि योजना में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं तो आप 31 मार्च तक से पहले आवेदन करा लें, और यदि उनका यह आवेदन स्वीकार होता है तो होली के बाद उनके अकाउंट में 2,000 रुपये मिलेंगे। और इसके साथ ही अप्रैल और मई में भी आपकी जो दूसरी किस्त जो है वो 2,000 रुपये आ जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे KCC बनवाने को लेकर। अगर आप किसान हैं और अब तक आपने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है तो आप निराश ना हो। सरकार 31 मार्च तक अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रही है। आपको बता दें जिन किसानों को अभी तक KCC नहीं मिला है वे अपने नजदीकी बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं। अब सरकार ने KCC पाने की प्रक्रिया को भी काफी सरल बना दिया है। इसके साथ ही KCC लोन पर 3 लाख रुपए तक के सेवा शुल्क को माफ कर दिया गया है। आधार से पैन कार्ड का लिंक करा ले। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं करवाया है तो जल्द ही यह काम भी आप करवा लें। इसे लिंक करवाने की आखिरी तिथि 31 मार्च है। आपको बता दें कि आयकर विभाग द्वारा कई बार इसकी आखिरी तारीख बढ़ाई गई है, लेकिन इसके बाद लास्ट डेट बढ़ने की उम्मीद बहुत कम है। इसलिए जल्द से जल्द आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करवा लें। QR कोड के नियमों के अनुपालन किया गया है अनिवार्य। सरकार ने कंपनियों के कस्टमर के बीच लेन देन से जुड़े बिलों के मामले में QR कोड प्रावधानों को कस्टमर के बीच लेन देन से जुड़े बिलों के मामले में QR कोड प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर जुर्माना लगाने की छूट दी है। यह छूट 31 मार्च 2021 के लिए स्वीकृत बिलों को लेकर दी गई है, लेकिन इसके बाद 1 अप्रैल से इसका पालन करना अनिवार्य हो गया है। अगला जो बदलाव है वह GST रिटर्न फाइलिंग को लेकर है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक GST रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा जो है 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले भी रिटर्न भरने की डेट लाइन जो थी वो 28 फरवरी 2021 तक बढ़ाई गई थी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।